Hello students, today I am going to discuss with you the numerical problems which are based on the first law of thermodynamics. So we already discussed about the first law of thermodynamics and keep in mind that ke jadon tusi numerical solve karde ho you have to know the basic formula which is delta U is equal to small q plus small w. This is the change in internal energy, this is heat and this is work. So jadon vi tusi numerical solve karde ho ta inna three variables de vichon kise vi do di value jehdi oh given hoegi and third di value ki hogi thode to puchhi gayi hogi, means tusi calculate karni hoegi. Theek hai, so लैट्स कम टू दिस न्यूमैरिकल कि इस न्यूमैरिकल दे विच की पूछा गया. ठीक है, इत्थे राजे पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू एंड क्यू. ओके, एंड इस तो बाद देखो होर की है जड़ा हो गिवन है, एंड इस दे विच गिवन है हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, मीन्स क्यू दी वैल्यू गिवन है, दैट इज 9720. एंड आप कैलकुलेट की करना वर्क ते चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एंड एक होर चीज़ गिवन है इतने कि वन मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, मीन्स लिक्विड कन्वर्ट हो रहा स्टीम दे विच, इस करके इतने हीट ऑफ वेपोराइजेशन है जिहड़ी वो यूज हुई है. ठीक है, इन्ह दे विच इन्होंने स्टेट है जिहड़ी वो मैनशन कर दी है. सो हुण वी वन वी टू की हो गया, वी वन वो वाला वॉल्यूम है जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो लिक्विड स्टेट दे विच है, वी टू जो वो स्टीम फॉर्म दे विच है. एंड जे ए वाली वैल्यू जिहड़ी है स्टैंडर्ड हुंदी है, यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू कि वन मोल है जो लिक्विड स्टेट दे विच तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 18 क्यूबिक सेंटीमीटर. एंड वी टू वॉल्यूम फाइनल का आप कैलकुलेट करना वाई अपलाइंग दिस फॉर्मूला, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ओके, सो इतों सारिया वैल्यूज पुट करने तो बाद अपने को वी टू की वैल्यू है जी कैलकुलेट होकर जी आ जाएगी. एंड फॉर्मूले दे विच की है वर्क इज इक्वल टू माइनस पी वी टू माइनस वी वन. सो इतों प्रैशर की वैल्यू गिवन है विच इज़ वन एटमोसफेयरिक प्रैशर. वन एटमोसफेयर नू डायन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर कन्वर्ट करने के लिए की किया हो रिस्पैक्टिव वेरीएबल्स के नाल मल्टीप्लाई किया. ए यूनिट कन्वर्जन है विच यू ऑलरेडी डन इन प्लस टू क्लास अंडर द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, सो वर्क का जोड़ा फॉर्मूला वो दिस वन है. इस फॉर्मूले के वैल्यूज पुट करन तो बाद वर्क की वैल्यू आ जाएगी दिस वन. एंड कीप इन माइंड रजे ए वर्क की वैल्यू नैगेटिव है बिकॉज ये जोड़ा वर्क है इस सिस्टम द्वारा किया गया, वर्क डन बाय द सिस्टम. हुण जो सिस्टम ने वर्क किया तो उस टाइम हीट सिस्टम की करूगा अबजॉर्ब करूगा, है ना, जिमें कोई इतने बीकर दे विच कोई सिस्टम पिया जो दिन आप नीचे तो हीट अप करांगे हीट देवांगे ता ही ये फ्यूम्स वगैरह बनणगे लिक्विड दियां, तो यदा ओवरऑल वॉल्यूम की हो जूगा इनक्रीज. सो जो सिस्टम दोबारा काम किया जाता मीनस वर्क डन बाय द सिस्टम उत्थे हीट की जाती है अबजॉर्ब. सो इस करके ये जो गिवन है हीट की वैल्यू ये अगे पॉजिटिव साइन आएगा. ठीक है, एंड फाइनली डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट की है सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डबल्यू. आई होप थोनू इतों तक क्लीयर होएगा. नैक्सट सेम न्यूमेरिकल है, जस्ट ये कि एस आई यूनिट दे विच है, मतलब स्टैंडर्ड जिहड़ियां यूनिट्स ने. इत्थे की कीता होया पहला आपां 18 सेंटीमीटर क्यूब ही फिल किया सी, बट इत्थे आपां मीटर क्यूब करना. ठीक है, एंड ये की हुंदा इहदे यूनिट कन्वर्जन, बिकॉज की हुंदा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज पर माइनस 3 मीटर. एंड अपने कोल इत्थे की आ सेंटीमीटर दी क्यूब, मतलब इहदी क्यूब कर दो. सिमिलरली ये सारे की करनी है क्यूब करनी है. आफ्टर दैट की होएगा कैलकुलेशन करने तो बाद रिजल्ट आएगा दिस वन. सिमिलरली वी टू की वैल्यू पुट की है एंड उस यूनिट्स भी की हो मीटर क्यूब. सो इतने जो फाइनल आंसर आएगा वर्क वो कि आएगा जूल दे विच. पहला कि आया सी कैलरी दे विच, एंड देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन कैलरी एंड जूल. वट इज़ दैट, वन कैलरी इज इक्वल टू
4.184 जूल. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू यूनिट्स. ओके, इज इट क्लियर? एंड दिस इज द अनदर न्यूमेरिकल. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो यदि स्टेटमेंट रीड करो, अ गैस अब्जॉर्ब 150 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपैंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.10 एटमोसफियर फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 to 4 लीटर. इट मीन्स वॉल्यूम द वैल्यू गिवन है, वी वन भी गिवन है, वी टू भी गिवन है, और केड़िया केड़िया वेरिएबल्स जड़े हो गिवन है, प्रेशर भी गिवन है विच इज 1.10. ठीक है, एंड इतने की पूछा गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो हूँ तुसे देखो, एंड इन्होंने गिवन की दी हुई है हीट, मीनस क्यू की वैल्यू स्टेटमेंट दे विच की है गिवन है. तुसी कैलकुलेट पहले की करना, वर्क कैलकुलेट करना, वर्क कैलकुलेट करन तो बाद फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो आप वर्क किमें कैलकुलेट करेंगे, सेम आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी इंटू डेल्टा वी. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो डेरीवेशन की है तो उत्थे वर्क ऑफ एक्सपेंशन ही यूज़ किया, दैट्स वाई इतने आप नैगेटिव साइन ही यूज़ करना. सो वर्क दे साइन दे विच अगे साइन आएगा नैगेटिव. ओके, सो ये वर्क की वैल्यू फिर ए वाले फॉर्मूले दे विच पुट की है. एंड फाइनली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड इन द स्टेटमेंट. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Thanks for watching the video.